हे गाइस, अब हम एनालाइज करने वाले हैं कैनरा बैंक को चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे। फर्स्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाता है। ऑल टाइम हाई तो डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालाइज करेंगे। तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है इसमें। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। थोड़ा टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ, उसका एक अच्छा सा ब्रेकआउट हो गया है। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस था नॉर्मली, वो भी उसका भी ब्रेकआउट हो गया है। अब हम इसको एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो इसका टारगेट होता है वो एक तो यहाँ तक हो सकता है हमारा फर्स्ट टारगेट, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है। और हम देखें तो कितना परसेंट ये दे सकता है, अगर 8-9% के आसपास दे देता है 4-5 दिन या तो 10 दिन में 8-9% दे सकते हैं। नॉर्मली सिमेट्रिक ट्रायंगल और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। मूविंग एवरेज कुछ लगा के देखें, अगर कुछ 20 मूविंग एवरेज के 9 मूविंग एवरेज, जैसे कि 50 मूविंग एवरेज लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबे तक हमें 50 मूविंग एवरेज भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। हम इसका स्टॉप लॉस जो है वो 155 रखेंगे, टारगेट 173 जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 173 का होगा। उसके बाद हम एक्चुअली में जो इसका टारगेट होता है वो यहाँ से होता है, आपको बताता हूँ, डिलीट करता हूँ। जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट निकाला जाता है वो यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ से कर लेता हूँ 32 यहाँ तक जितना बड़ा वो रहता है इसका ट्रायंगल का स्टार्टिंग का वो रहता है। तो हमारा जो टारगेट आ रहा है, अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पैटर्न को जो वो टारगेट, तो हमारा यहाँ तक आ रहा है 208 तक आ रहा है। देखिए कितना परसेंट होता है, 30% के अप्रॉक्स ये हमारा टारगेट आ रहा है। फर्स्ट हम 173-175 पे अपना इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करें, अगर ये वही 173 ब्रेक करता है तो हम इसको कंटिन्यू 208-210 तक होल्ड करते रहेंगे। बस बहुत सिंपल सा इसका एनालिसिस था, कॉम्प्लिकेट एनालिसिस करना नहीं चाहिए, सिंपली एनालिसिस होना चाहिए किसी भी स्टॉक को। Thank you guys for watching this video. If you like this kind of technical analysis, make sure subscribe. And currently we are uploading video on the swing trading. Thank you so much.